हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो नवंबर में क्या प्रिपरेशन करनी है उसको लेकर है। दिवाली खत्म हो गई है, आप लोगों ने आई होप कि जैसा मैंने आपको टारगेट दिया था, क्योंकि 15 डेज में कि कुछ नया नहीं पढ़ाया गया, यहाँ पर पुराने टॉपिक को रिवाइज किया गया, वैसे ही आपने भी किया होगा। मैंने आप सभी ऑनलाइन स्टूडेंट को ये बोला था कि आप लोग अगर पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करते चलेंगे तो ही फायदा होगा। तो आज का ये सेशन है कि क्या क्या चीजें अब आपको नवंबर मंथ में पढ़नी है। नंबर वन, एक और जो आपने क्वेश्चन बोले हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज देना चाहूंगा कि बहुत ही जल्दी, मतलब अगले 10 से 15 दिन में आपको लाइव क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्टर्ड स्टूडेंट है या जो न्यू स्टूडेंट है उन सभी को, और जो जनवरी में फास्टैग कोर्स होगा वो कंप्लीटली लाइव सेशन के साथ स्टार्ट होगा, यानी क्लासरूम कोर्स और लाइव सेशन के साथ स्टार्ट होगा। अब आप में से जिन लोगों ने जो जो मुझे क्वेश्चन डाउट भेजे हैं वो सब मैं बताना चाहूंगा, नवंबर मंथ में क्या पढ़ना है वो बताना चाहूंगा, और अगले 6 महीने में किस ढंग से प्रिपरेशन करें कि एक अच्छी रैंक ला सकें। और स्पेशली नए बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा फोन आते हैं न्यू स्टूडेंट के, जिनके अभी अभी सेमिस्टर्स खत्म हुए हैं, और दूसरा कई सारे बच्चों ने, क्योंकि अब आप भी देखिए आजकल एक इंटरनेट के वजह से सबसे अच्छी बात ये अवेयरनेस पढ़ने लगी। अभी तक कई बार एमसीयू को लेके बहुत कंफ्यूजन होता था, पर अगर हम पिछले 4-5 साल के रिकॉर्ड देखें और स्पेशली इस साल, तो एमसीए के बहुत अच्छे प्लेसमेंट हुए हैं। चाहे फिर आप त्रिची देख लें, चाहे सूरत कल देख लें, चाहे इलाहाबाद देख लें, चाहे कैलीकट देख लें, चाहे भोपाल, 40 लैक्स तक का पैकेज गया, 40 लैक्स प्लस का गया, और एक दो नहीं 5-5, 8-8 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं नेट पे आपको मिल रहा। तो ऐसे हमें कई बच्चे जो मिसगाइडेड थे या कंफ्यूज थे कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर उनको ऐसा लगता है कि लेट पता चला, तो क्या अगले 6 महीने में एमसीए का प्रिपरेशन किया जा सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं पिछले 6 महीने से, साल भर से, उनके साथ अब उनको क्या करना है वो मैं डिस्कस करूंगा। अगले कुछ समय में पेपर्स में क्या होने वाला है, सारी चीजें। तो सबसे पहले एक चीज बोलूंगा कि सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई सारी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। और उन सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स में 2020-21 वाले भी और 22 वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। ये सेशन आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों को अपना फोकस पूरा, जो मैंने पहले बताया था, 11th और 12th की बुक पे ही रखना है। हाँ, जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी वो आपको जरूर मिलने लगेंगी, ये एक एडवांटेज है, और उसका नोटिफिकेशन जैसे आपको टेस्ट पेपर मिलते हैं आपके पास आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब बात करता हूं 2019 स्टूडेंट से। सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को जिन्होंने अब जाके प्लान किया है कि एमसीए करना है, तो क्या 6 महीने सफिशियंट टाइम है, वो पहली बात करूंगा। और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो भी इस बात को बहुत ध्यान से सुने कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि जो आज भी पढ़ना स्टार्ट करेगा वो भी अच्छी रैंक ला सकता है, तो इसका मतलब ओल्ड स्टूडेंट जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बातें एकदम की जैसी हैं। आप बहुत अच्छी रैंक बना सकते हैं, आपका माइंड एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बात समझ के चले। अगर यही एक चीज अगर आपने समझ ली तो ऐसा हो नहीं सकता कि हार मान जाए। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं आप समझिए, अभी मेरे पास जब नए बच्चों का फोन आता है तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या 6-7 महीने में हो सकता है, पहला क्या 6-7 महीने में अच्छा कॉलेज मिल सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या 6 महीने पढ़ के हम एनआईटी त्रिची या सूरत कल या कैलीकट जैसे कॉलेज निकाल सकते हैं या बीएचयू जेएनयू, ये सारे डाउट्स होते हैं, और कहीं ना कहीं वो लेट हो गए तो उनको ऑब्वियसली डबल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आप लोगों ने समय रहते हुए डिसीजन लिया उसका आपको फायदा मिलेगा। तो आप सभी नए स्टूडेंट को पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आज भी अगर हम देखें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अभी ये पूरे 6 महीने के अलावा भी मई एंड में पेपर होता है। अगर आप इस 6 मंथ को, मैं 6 मंथ की बात करूंगा क्योंकि हो सकता है किसी के सेमिस्टर्स भी हो, तो मैं आपको 20 दिन का बोनस दे रहा हूं, 6 मंथ को 12th मंथ के इक्वल बना लें तो बिल्कुल पॉसिबल है कि हम कर सकें। आप कैसे बनाएंगे, जो ओल्ड स्टूडेंट है वो ऑलरेडी जो चीज कर चुका है वो भी आपको करना है एक एंड में, मतलब ओल्ड सिलेबस भी करना है और न्यू सिलेबस भी करना है। अगर आप डबल एफर्ट्स लगाने को तैयार हैं तो बिल्कुल चांसेस है कि आपका ये साल बच जाए। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे इंपिटस के जो जनवरी में आने के बाद अच्छा रिजल्ट दे गए, तो आज मैं नवंबर की बात कर रहा हूं, तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। और अच्छी बात यह है, क्योंकि अगर आप नहीं भी आ सकते तो अच्छी बात यह कि घर रह के भी आप ऑनलाइन बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई कर सकते हो जैसे आज एक क्लासरूम बच्चा पढ़ रहा है। और जब लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो एक और बात होगी कि आपको वो सेशन जब यहां जिस टाइम पे यहां क्लास हो रही होगी उसी टाइम पे आप वहां क्लास देख रहे होंगे,
नॉर्मली डाउट्स हमेशा जो होते हैं वो सबके कॉमन जैसे होते हैं, जो यहाँ का बच्चा पूछ रहा है वही कहीं और का पूछता है, मैं देखता हूँ हमेशा। तो एक और प्लस पॉइंट होगा कि आप उन क्लासेस में आपके जो डाउट्स हो रहे होंगे वो भी कवर हो रहे होंगे, जो टेस्ट पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। अभी भी आपको सारी क्लासेस मैंने देना चालू कर दी थी, मैंने आप सबको बोला था कि एक डेढ़ महीने हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं, अगले 8-10 दिन हम लाइव की भी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा वेबसाइट पे। और जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको एक और बात बता दूंगा, ऑब्वियसली ऑनलाइन कोर्स और पेनड्राइव कोर्स इन दोनों की कॉम्बिनेशन प्राइस में चेंज आएगा, ऑब्वियसली आएगा। इसलिए अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं तो इमीडिएटली गुरुकुल के साथ जुड़ जाए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अब होगा ये कि एक होगा पेनड्राइव स्टूडेंट, एक होगा लाइव क्लास स्टूडेंट और एक होगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फायदा ये होगा कि आपके पास एक बार पूरा कोर्स है, जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है क्लास में लाइव में वो पहले से पढ़ के रखेंगे आप, उससे जब लाइव क्लास अटेंड करेंगे तो परफॉर्मेंस 2 टाइम बढ़ जाएगी, ये एक एडवांटेज होगा। यहां पर भी बच्चे यही करते हैं तो वो एक आपको फायदा मिलेगा। फिर आपके कोई डाउट आएंगे आप पहले से भी भेज सकते हैं, अभी आप बाद में भेजते हैं, पहले से तो वो जब लाइव सेशन हो रहा होगा तो उस समय आपको आपके डाउट हैंडल हो जाएंगे। तीसरी बात कि आपको एक दिन में कितना पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता आपके पास पूरा कोर्स आता है। कई सारे बच्चे जब ऑनलाइन वाले यहाँ के एक्सपीरियंस शेयर किया तो मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ में आई कि बहुत सारे बच्चे घंटों वीडियो देख लेते, 4-4 घंटे। मैं हमेशा बोलता हूं 1 घंटे का वीडियो देखने के बाद 3 घंटे की पढ़ाई करनी, क्योंकि 1 घंटे में बहुत सारा कंटेंट होता है उसमें। तो वो जब आपको क्लासेस मिलती तो आपको समझ में आता अरे इतना सा आपको अब लाइव क्लास, अब जो आपको क्लासेस मिलती है रेगुलर से आपको समझ में आता है एक क्लास में धीरे धीरे कवर होता है सिलेबस, वही चीज आपको करनी है। तो ये 6 महीने भी काफी सफिशियंट टाइम है। और आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं स्टूडेंट वो भी और जो नए जुड़ना है वो भी, आपको हर चीज इन्फॉर्म मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल है उस पर आपके पास हर तरह के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ही लाइव टेस्टिंग चालू होगी उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप लाइव क्लासेस देखेंगे वो भी, और जैसे ही एक बार पूरी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर वो ऑफिशियली वेबसाइट पे आएगा और उसके बाद उसमें चेंजेस आएगी प्राइजेस में जो अगले 10-15 दिन में होने वाला है। तो मैं अब बात कर रहा था आपसे, ये एक आपके लिए गुड न्यूज थी कि ये 6 महीने में क्या करें। तो 6 महीने में करना ये है कि एक वो सिलेबस जो मैंने 4 नवंबर से स्टार्ट किया है उसको फॉलो करें, और एक वो सिलेबस जो 4 नवंबर के पहले हो चुका है उसको करें। यानी आपको 2 एंड से पढ़ाई करनी चाहिए, 5 घंटे नए सिलेबस को दें, 5 घंटे पुराने, यानी टोटल 10 घंटे देंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है कि 6 महीने में एक अच्छा रिजल्ट दे सके। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑब्वियसली कॉलेज भी जाते होंगे, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को मैं बोलूंगा कि आप अगर 4 घंटे भी यहां दें और 4 घंटे भी यहां दें तो 8 घंटे के अलावा 6 घंटे की नहीं 14 घंटे आपका कॉलेज, फिर भी 14 घंटे अभी 10 घंटे बचते हैं, 4-5 घंटे का कॉलेज की पढ़ाई सब कर ले तो भी हो सकता है। अभी ये ना सोचें बिल्कुल भी कि ड्रॉप लेके पढ़ाई करेंगे, ड्रॉप ले लेना अगर अच्छा रैंक न लगे, पर जब ड्रॉप अच्छा रैंक नहीं लगने पे लोगे तो आपको वो 0 या नहीं होगा, ये प्रिपरेशन आपको ड्रॉप में टॉप कराएगी। पर अगर आपने अभी से अपने आपको छोड़ दिया तो ये नुकसान आपको होने वाला है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा कि अगर बाई चांस ड्रॉप ईयर में आपका रैंक नहीं आया तो सेकंड ड्रॉप लेना पड़ेगा। और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले जो लोग सुन रहे हैं वो ध्यान रखें, हर साल का मैंने रिकॉर्ड देखा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से अगर आपने पढ़ाई करना चालू कर दी तो ये पॉसिबल इम्पॉसिबल है कि आपका अच्छा रैंक ना आए, अनलेस एंड अंटिल कि आपने ज्वाइन तो करा पर पढ़ा नहीं बस। अगर आप रेगुलर 2-3 घंटे भी दे रहे हैं तो आप एक अच्छी रैंक लाएंगे, इसलिए बिल्कुल परेशान ना। तो अब ये एक बेसिक बात मुझे बतानी थी कि अभी भी मौका है कि आप पुराने सिलेबस के साथ साथ नए सिलेबस को अगर कवर करेंगे तो दोनों सिलेबस को साथ में कवर कर पाएंगे। अब बात करता हूं ओल्ड स्टूडेंट से, जो अभी अभी भी जुड़े हैं और जो पिछले 6 महीने 8 महीने 10 महीने से जुड़े हैं, आप अपने सिलेबस को उसी ऑर्डर में फॉलो करें, 3 घंटे पुराने टॉपिक के रिवीजन जरूर करें और 5 घंटे नए टॉपिक को दें, एक मजबूती के साथ पढ़ाई करें। अभी नवंबर 4 से जो मैंने बोला था कि न्यू बैच उसमें मैंने स्टार्ट किया है फंक्शन, बेसिकली अगले 2 महीने नवंबर और दिसंबर में कैलकुलस ही चलेगा, हो सकता है जनवरी के भी 15 दिन लग जाए। ये इसलिए ले रहा हूं कि 2 एंड पर कि कैलकुलस धीरे धीरे चलने से कैलकुलस को भी कमांडिंग आएगी और पुराना जो सिलेबस है उसका रिवीजन कर पाएंगे, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो पुराने सिलेबस को भी कवर कर पाएंगे। तो पहले फंक्शन, फिर लिमिट, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व, बेसिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इतने टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे कवर करते चलिए। क्लासेस यहां पर हो रही है वो आपको मिलती जा रही है, उनको भी देखते चलिएगा।
अब आप में से जो नए लोग हैं उनको ध्यान रखना है कि जो टॉपिक कवर हो गए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नए लोगों को सबसे पहले, आप में से कुछ लोगों ने फोन किया था जो अभी अभी जुड़े थे कि सर आपने उसमें बोला है कि क्वांटिटेटिव से स्टार्ट करें, बिल्कुल सही है, बट अभी क्वांटिटेटिव से नहीं, पहले क्लास में जो चल रहा है उसको फॉलो करें, क्योंकि आपको क्लास टेस्ट भी मिलते हैं, संडे टेस्ट भी मिलते हैं, ऐसे में आप पीछे ना हो जाएं, एक एंड पे पहले क्लास को सिलेबस को कवर करें। तो अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो कैलकुलस के साथ आपको जो चीज पढ़ना चाहिए वो है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के कमांड नहीं आएगा। ओल्ड स्टूडेंट को एक बात बोलना चाहूंगा कि हर दिन 30 मिनट का ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस करना है, एक दिन ट्रिग्नोमेट्री, एक दिन ट्रिग्नोमेट्री, एक दिन इनवर्स, एक दिन क्वेश्चन, एक दिन फॉर्मूला रिवीजन, एक दिन क्वेश्चन, एक दिन फॉर्मूला रिवीजन, अप टू मई तक, क्योंकि जितना कमांड ट्रिग्नोमेट्री पे होगा उतना आपको फायदा कैलकुलस में मिलेगा और ओवरऑल मैथ्स में मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस सबसे बड़ा पोर्शन है। नए लोगों को बोलूंगा कि रोज 2 से 3 घंटे अगले 15 दिन तक ट्रिग्नोमेट्री और पढ़े, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री कवर हो देन स्टार्ट एलजेब्रा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन करिए, देन प्रोग्रेशन करिए एपीजी पीएचपी, देन फिर बाइनोमियल थ्योरम करिए, बाइनोमियल थ्योरम के बाद मैट्रिक्स करिए, डिटरमिनेंट करिए, पीएनसी करिए, सेट करिए, प्रोबेबिलिटी करिए, एक एक टॉपिक करते जाए, बिल्कुल बिना पैनिक हुए, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे 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 एक एक टॉपिक करते जाए, क्योंकि कैलकुलस धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, तो एक एक टॉपिक को एक एक वीक में भी कवर करेंगे तो चलेगा। धीरे 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 पढ़िएगा, कहीं पे भी परेशान मत होइए, हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर आप अंत तक डटे रहे तो बिल्कुल पॉसिबल है कि एक अच्छा रिजल्ट दे पाए, और रिजल्ट की चिंता करें बिना पढ़ाई करेंगे तो फायदा होगा। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है आपकी नॉलेज ना बढ़े, नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट आ सकता है। तो इस पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ पढ़ाई करिए। लॉजिकल रीजनिंग में जो टॉपिक्स हुए लाइक नंबर सिस्टम, क्लॉक कैलेंडर, क्लॉक कैलेंडर के अलावा लॉजिक्स, डायरेक्शन सेंस, ये बेसिक टॉपिक्स हुए हैं जिनको आप अभी ना करें अगर नए लोग हैं तो, क्योंकि एक साथ सब चीजें नहीं हो सकती, और अगर एक साथ सब करेंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो अभी मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा या बोलना चाहूंगा कि आप एक एंड पे कैलकुलस और एक एंड पे ट्रिग्नोमेट्री के बाद एलजेब्रा पढ़ना चालू करें, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। 6 घंटे रोज पढ़ सकते हैं तो 3-3 घंटे दें, 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो 4-4 घंटे दें, 10 घंटे पढ़ सकते हैं तो 5-5 घंटे पुराना, 5 घंटे करंट टॉपिक, जिससे आप क्लास में पीछे ना हो। दूसरा, इस वीक से फिर से फुल लेंथ टेस्ट आपके चालू हो जाएंगे, यानी 10 नवंबर से फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 2 वीक में हमने टॉपिक वाइज इसलिए लिए थे दिवाली के वजह से, क्योंकि क्लास में ही बहुत सारे आउटसाइडर बच्चे थे, वो घर गए थे, अब उनको मई तक कहीं नहीं जाना है, तो इसलिए बीच में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिए थे। आप फिर से फुल लेंथ टेस्ट होंगे, हर सैटरडे को पुराने टेस्ट पेपर्स का रिवीजन करना है, सारे टेस्ट पेपर्स आपके पास होते हैं, पेपर का रिवीजन करना है, जैसे ही क्लास में पेपर डिस्कस होता है आप लोगों को उसके बाद मिल जाता है, आप देखते हो आने वाले दिनों में वो सीधा सीधा लाइव एनालिसिस के साथ मिलेगा, पेपर एनालिसिस का आपको, और हर वीक का आपको लाइव पे वो मिलेगा कि आज इस टाइम पे आपकी लाइव क्लास है, तो उससे ये फायदा होगा कि आपको जैसे पेपर में कोई डाउट आते हैं आप पहले ही भेज देंगे, तो वो डाउट बाय चांस कभी कोई बच्चा क्लास का नहीं पूछता तो भी वो कवर होता जाएगा। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे, तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जुड़े रहिए, और जितना पॉजिटिवली पढ़ाई कर सकते हैं करिए, बिना ये सोचे कि 6 महीने की प्रिपरेशन से क्या होगा, बल्कि ये सोचिए कि 6 महीने की प्रिपरेशन से बहुत कुछ होगा, अगर 6 महीने प्रिपरेशन नहीं करी तो कुछ नहीं होगा। तो मैं हमेशा जब भी मुझसे कोई बच्चा ये पूछता है कि सर 6 महीने सफिशियंट है, क्या हो जाएगा नहीं तो ड्रॉप लें, तो मैं पूछता हूं अगर नहीं करोगे तो 100% नहीं होगा, प्रिपरेशन करोगे तो हो भी सकता है, नहीं भी, पर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इसी माइंड सेटअप के साथ पढ़ाई करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। लास्ट एक बार फिर रिवाइज कर दूं समरी की, कैलकुलस अब टॉपिक स्टार्ट हो गया और अगले 2 महीने यही चलेगा। कैलकुलस के साथ आप दूसरे एंड पर हमेशा पुराने स्टूडेंट पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करते चले, पुराने टेस्ट पेपर देते चलते चले, हर वीक रात को एक बार सोने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले या क्वेश्चन का रिवीजन, साथ में कोई भी एक पुराना पेपर जरूर सॉल्व करें, सैटरडे के दिन जितने पेपर अब तक हुए हैं वो सब सॉल्व करें, और संडे को वो टॉपिक के पेपर के क्वेश्चन पहले करें जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।